हम लोग आ चुके हैं मुगल गार्डन में, जो कि दल लेक के एकदम ऑपोजिट में है। और एंट्री प्राइस है फॉर अडल्ट 24 रुपीज़ एंड फॉर चिल्ड्रेन इट इज़ 12 रुपीज़। तो अब हम लोग जा रहे हैं अंदर मुगल गार्डन में। अच्छी खासी भीड़ है, वेदर जैसे कि आपको पहले बताया ऑलरेडी चेंज हो चुका है, बहुत लोग हैं। ओके, आइए 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 आइए। ऑल पर्सन आर ओके, डू नॉट लिटर, बी मैच्योर, यूज डस्टबिन। बैकग्राउंड देखो, खाली बैकग्राउंड अमेजिंग। अभी धीरे धीरे यहाँ पे वेदर चेंज हो रहा है, तो ऑब्वियसली फूल वूल आने शुरू हो रहे हैं, क्योंकि धीरे धीरे जैसे जैसे समर्स आएगा यू विल सी इट चेंजिंग। लेट्स गो। पीछे जापानीज लोग आए हुए हैं, चाइनीज लोग। वाह, व्हाट, हाउ ब्यूटीफुल फ्लावर्स। इन लोग की दाद देनी पड़ेगी सारा। ओके गाइस, सो वी आर एट द मुगल गार्डन, और लकीली मैं तो यही बोलूँगा कि हम लोग ऐसे टाइम पे आए हैं कि ये व्यू का वेदर इज रियली गुड। लुक एट द व्यू एट द बैक, बेसिकली है पूरा गार्डन ही, पर क्योंकि आज क्या डेट है 18th of March, तो यू कैन सी अ लॉट ऑफ ग्रीनरी एज़ कम्पेयर टू मे बी जनवरी या फेब में अगर आप आएँ। फूल वूल आने शुरू हो गए हैं धीरे धीरे। ये वाइट फ्लावर्स बहुत ही अच्छे हैं, इसमें हमने कुछ बूमरैंग्स लिए जो बहुत अच्छे हैं। हमारे ड्राइवर भैया ने हमें बहुत अच्छा आइडिया दिया था कि हम लोग पेड़ के नीचे खड़े होके पेड़ को हिलाएं, वाइट फ्लावर्स गिरेंगे, और वो गिरे और हमें बहुत अच्छे शॉट्स मिले वहाँ से, जो हम इंस्टाग्राम में पोस्ट कर देंगे। वैसे ज़्यादातर पेड़ ही पेड़ है, पेड़ ही पेड़ है हर तरफ, ग्रीनरी ही ग्रीनरी है हर तरफ। एज यू कैन सी बहुत बोल रहे बहुत ही बड़ा गार्डन है। ओके, यहाँ एज यू कैन सी कश्मीरी ड्रेसेस फॉर मेन वेमेन टू ट्राई, पहन के फोटोशूट वगैरह करवा सकते हैं आप। ये देखिए, आप ये ट्राई कर सकते हैं, ब्यूटीफुल कलर्स। थैंक यू, अच्छी जगह है। अभी थोड़ी देर पहले बाहर धूप गायब थी, अब यहाँ आए अब धूप वापस आ गई है। वाओ, लुक एट द फ्लावर्स, ये सब इस मौसम में आने का नतीजा है, अमेजिंग। वो दल ले के पूरा वो बीच में जो पेड़ है वो अलग ही शेप है, ये शेप करा हुआ है दीदी। ये देखो, इस पेड़ का नाम लिखा है चिनार। ये देखो, ये है चिनार का पेड़ है, जो कि बहुत ही फेमस है यहाँ पे, चिनार। दल लेक में कोई जगह भी है जिसको बोलते हैं चार चिनार। यहाँ पे आप कुछ खा भी सकते हैं, ककड़ी, गाजर, नारियल। भूख लगे तो थक के खा लो, पेट भर लो, थक तो जाओगे। अच्छे खासे स्टेप्स हो जाएंगे हमारे आज कार्डियो पूरा, जो भी लंच खाया आज आदूज में वाजवान, उसके बाद
वो इतने में नहीं होगा इतना, वो देख वहाँ पे देख वो वाटरफॉल टाइप। नहीं नहीं बीच में से वहाँ से कट है, जा सकते हो। तो ये गार्डन बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है। हमारे जो ड्राइवर भैया हैं उन्होंने लिटरली हमको बोला कि एक घंटा ऑलमोस्ट आपको लग ही जाएगा इसको पूरा घूमने में, जो कि अभी तक मेरे को लग रहा है कि सही है सही है सही है। चेक है भेजा हुआ, जस्ट चेक इन दैट दैट आई डोंट रिमेंबर। कश्मीर ट्रिप में गार्डन में जस्ट लुक एट द व्यू अगेन। मैं एक ही बात रिपीट करूँगा फिर से कि ये जितना भी कैमरे में वीडियो में दिखा लो, द व्यू इज सिंपली अमेजिंग व्हेन यू सी इट इन रियल टाइम, सिंपली ऑसम। पीछे जो इतने बड़े बड़े पहाड़ हैं उसमें पता नहीं आपको पता चल रहा है कि नहीं, बर्फ भी है बीच बीच में, कहीं कहीं से ना बर्फ आ रही है। वीडियो के साइज देखो यार, हाउ स्ट्रॉन्ग आर दीज, अमेजिंग। पता नहीं आपको साउंड आ रहा है कि नहीं पानी का, ये देखो यहाँ शायद फाउंटेन भी होता है जो कि बंद है, पर लेकिन पीछे से पानी बहुत ही क्लियरली आ रहा है। जस्ट लुक एट दिस, सो ब्यूटीफुल, जस्ट looking like a wow. Okay, अब थोड़ा सा रील वील कर लेते हैं यहाँ पे, जो आए तो रील तो करना बनता है। सो कैच यू इन अ वाइल क्रोकोडाइल गाइस, अनदर स्ट्रीम अनदर वाटरफॉल, लुक एट दिस, इज दिस नॉट नेचर, अमेजिंग ब्यूटिफुल, सिंपली ऑसम। अमेजिंग अमेजिंग अमेजिंग, इससे तो मुगल गार्डन बाय द वे awesome। और हमने एक रील भी कर ली है इसी बहाने। गाइज एक चीज़ और जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है मैं बताना चाहता हूँ आप लोगों को, यहाँ पे आपको यहाँ के जो लोकल्स हैं, ठीक है अच्छी बात है कि दे नीड हेल्प एंड एवरीथिंग, बट वहाँ पे क्या है कि अभी जैसे हमारे पास एक माली आया और उसने हमको आके बोला कि सर हम यहाँ के लोकल माली हैं, हम यहाँ के लोकल माली हैं और हम आपको कुछ देना चाहते हैं, और इसी बात पे इन्होंने हमको ये फूल गिफ्ट किया है। और वो गिफ्ट करने के बाद अचानक से वो लोग आपसे एक्सपेक्ट करेंगे सम सॉर्ट ऑफ अ टिप, सो जस्ट बी अ लिटिल केयरफुल। इनसे कुछ भी एक्सेप्ट वगैरह ना करें, ये और कुछ नहीं सिर्फ और सिर्फ एक स्कैमिंग है, तो इससे थोड़ा बच के रहें। यही सेम चीज़ हमारे पास हमारे साथ ऑलमोस्ट एयरपोर्ट पे भी हुई थी,
जहाँ हमारे ड्राइवर भैया हमको लेने आ गए थे एयरपोर्ट पे, लेकिन हुआ ये कि जब वो एयरपोर्ट पे हमको लेने आए तो उनके साथ साथ अचानक से कहीं से एक बंदा आ गया। सर मैं आपकी अटैची पकड़ लेता हूँ, आपका लगेज ले लेता हूँ। तो हमें लगा वो हमारे ड्राइवर के साथ है, बट द फैक्ट वॉज वहाँ के लोकल बंदे हैं, आपको बोलेंगे कि आपकी हेल्प करेंगे और जैसे ही आपका सामान ड्रॉप करेंगे सर टिप दे दीजिए। तो हाँ, यहाँ पे ये सब बहुत होता है, सो जस्ट बी अ लिटिल केयरफुल। हम लोग ऑलमोस्ट ओके गाइस, सो घूम लिया मुगल गार्डन, वी वेंट राइट अप देयर टू द लास्ट पॉइंट और एक दो रील्स और शूट कर ली। नाउ वी आर ऑन द वे आउट फ्रॉम मुगल गार्डन। नीचे जाके अगर कोई अच्छी लोकेशन मिली तो एक आध रील और शूट करेंगे, फिर निकल जाएंगे यहाँ से। हमारे ड्राइवर भैया बाहर वेट कर रहे हैं और इसके बाद प्लान है जाने का निषाद गार्डन, निषाद, और उसके बाद अगर टाइम बचा तो चश्मशाही। सो वी स्टिल ऑन द फर्स्ट डे ऑफ श्रीनगर अराइवल। पहले हमने चेक इन किया गोल्डन लीफ रेस्टोरेंट, गोल्डन लीफ होटल, 3-स्टार प्रीमियम, अमेजिंग। उसके बाद फिर वी हैड लंच एट आदूज। अभी हम मुगल गार्डन ख़त्म कर रहे हैं, नीचे जा रहे हैं और मिलते हैं आपसे निषाद गार्डन में। स्टिल डे वन, श्रीनगर इज़ ऑन, सो स्टे विद अस, सी यू इन अ व्हाइल। हाय गाइस, वेलकम बैक अगेन। सो वी आर एट विच प्लेस? पार महल। पार महल नहीं, परी महल। यहाँ पे परी कौन सी है? हम लोग देखते हैं परी अगर होगी तो, कोई देख नहीं रही, पर हम लोग अभी फिलहाल परी महल में हैं। लुक एट दी व्यू। तुम्हारी इस परी के साथ में परी महल आए हो। सही बात, आ जाओ। नीचे वाला सीन में तो चल चल। ये हमारी परी है। ओह 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 माँ गो। पुरवाड़ा में भी कोई नहीं जाता सीधा। वहाँ कहाँ जाता है? चलिए ना। ओके, तो परियां तो खैर यहाँ पे नहीं मिलेंगी, लेकिन हाँ ऐसा बोलते हैं कि ये भी मुगलों ने बनवाया था अपने किसी हिंदू गुरु के लिए, ये बनवाया गया था। यहाँ पे नीचे टनल है, इससे आप अगर जाएंगे तो उस साइड से बाहर निकल सकते हैं, पर अभी फ़िलहाल हम नहीं जाएंगे। वी जस्ट वॉन्ट टू कवर दिस व्यू। नीचे वहाँ पे हेलीपैड भी है, वहाँ पे वो जो पीछे लेक है, पूरा दल लेक है, इट इज़ सिंपली ऑसम ऑसम। ये देखिए व्यू, देखिए जस्ट लुक एट द व्यू। एक बात तो माननी पड़ेगी कश्मीर की, एक बात तो पक्का माननी पड़ेगी, हर थोड़ी थोड़ी देर में यहाँ पे व्यू चेंज हो रहा है, हर थोड़ी थोड़ी देर में। यहाँ अलग व्यू है, यहाँ अलग व्यू है, यहाँ अलग व्यू है, यहाँ अलग व्यू है। ये देखो, ये देखो, वो रणबीर कपूर का मूवी का नाम क्या है? हेलीपैड। हाँ हेलीपैड है, रणबीर कपूर का मूवी का नाम क्या है? कौन सा? ब्रह्मास्त्र। गाइस हेलीपैड, हेलीकॉप्टर लैंड होते हुए। एच पे लैंड नहीं किया, लेकिन उसको एज दिखाई दे गया, लैंड कहीं पे भी कर सकता है। ये है परी महल के यहाँ से व्यू। तो अपना प्रेसिजन को ट्रेन करना चाहिए एच पे लैंड। अरे तू तो टीम देख,
ये देखो क्या सीन है। चलो चलो नीचे नीचे तो दिखेगा, नीचे तो और जाते दिखेगा। ये देखो जूम है तो ये देखो गाइस, दिस इज व्हाट आई वाज टॉकिंग अबाउट। द व्यू इज जस्ट लुकिंग लाइक अ वाव। ये दूर दूर तक ये सब जो आप देख रहे हो, ये सारा का सारा, वो सारा का सारा, सारा दल लेक है, सारा दल लेक। अपेरेंटली इट स्प्रेड आउट अक्रॉस 42 किलोमीटर्स, माइंड ब्लोइंग। और यहाँ पे फोटोशूट हमारे परी के परे का, जो परे होके खड़े फोटोशूट करवा रहे हैं और हमारी परी उनकी फ़ोटो खींचते हुए, बीच में फोटो बॉम्बर्स भी हैं। बट नॉट बैड, ब्यूटिफुल प्लेस, अमेजिंग। गाइस लुक एट द ब्यूटी। अभी इस वक्त यहाँ पे पीछे सन है, आई डोंट नो इफ यू कैन मेक आउट और नॉट। और वो ऊपर वहाँ पे मून है। हाउ ब्यूटिफुल इज दिस। मैंने जैसे कि बोला कश्मीर में हर तरफ अलग सीनरी है, हर तरफ हर 2 सेकंड में, हर 5 सेकंड में यहाँ पे सीनरी चेंज हो रही है। अमेजिंग इट इज, सिंपली अमेजिंग। जान हाउ इज द वेदर? प्रीटी कोल्ड है। गुड डे। डाउन देयर इट्स अ लिटिल हॉट दो। या अच्छी खासी ठंडी हवा चल रही है, अच्छी खासी। और अभी बज रहे हैं शाम के 5:10 हैं। हम हैं इस वक्त परी महल में और यहाँ से फिर हम जाएंगे चश्मे शाही गार्डन, विच इज़ गोइंग टू बी द लास्ट थिंग टू डू टुडे। और वहाँ पीछे आई थिंक समथिंग लाइक अ जेल, लुक्स लाइक अ जेल एट लीस्ट। सो या यहाँ पे भी हमने 2-3 रीले कर ली हैं, एक आध और कर लेंगे। नेटवर्क इशू है थोड़ा सा, सो वी आर ट्राइंग अ लेवल बेस्ट। मिल गया गाना शायद, लेट्स शूट अ रील रियल क्विक। हियर वी गो। वेलकम टू चश्मे शाही, वन ऑफ द अदर मुगल गार्डन। एक चीज़ जो आपको यहाँ देखने को मिलेगी जो कहीं नहीं मिलेगी, डोंट लिटर, बॉटल नॉट अलाउड इनसाइड, पान गुटखा नॉट अलाउड इनसाइड। यहाँ मिलेगा गन्स नॉट अलाउड इनसाइड। लेट्स गो क्विकली चश्मे शाही, फॉलो मी। टिकट 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 ईशान, थैंक यू। चश्मे शाही गार्डन, आज तो भाई चल चल के जो कार्डियो किया है, ऐसा लग रहा है कि कश्मीर में पक्का पैदल होके वापस पतले होके। लुक एट द माउंटेन, हो सकता है आपको आवाज़ यहाँ से भी आ रही हो, इस माइक की रेंज भी टेस्ट करने का अच्छा मौका है। सो वहाँ से शूटिंग चल रही है, मैं यहाँ तक आ गया हूँ। एक रिक्वेस्ट जो सबसे है, कीप योर गार्डन क्लीन, इसे गंदा ना करें। बहुत लोग इतनी खूबसूरत जगह है, कुछ ना कुछ फेंक के यहाँ से जाते रहते हैं, वो बिल्कुल ना करें, ठीक है? थोड़े से ओके, माइक की जाएगी, पीछे से शूटिंग चल रही है। हम चश्मे शाही मुगल गार्डन में आ चुके हैं।
इनको क्लीन रख। It is just not disappointing at all. Awesome. Next level का cardio हो रहा है आज, पर ये last है। इसके बाद सिर्फ बाहर से विंटर शॉप और वाटर स्ट्रीम को पार करते हुए। ओके सो हियर इट इज, दिस इज चश्मे शाही ऑल अबाउट अगेन वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल गार्डन। वो आगे पानी है, मैं आपको वो क्विकली दिखा देता हूँ। तो ये जो सारा पानी आप देख रहे हैं आते हुए, ये नेचुरल है, कहीं से आ रहा है किसी को नहीं पता कहाँ से आ रहा है, लेकिन ऐसा बोलते हैं कि जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, इनके लिए पानी यहाँ से बकायदा बाय एयर दिल्ली जाता था। जो भी आता है, आज भी बड़े बड़े ऑफिसर यहाँ आते हैं, ये पानी पी के जाते हैं। हम भी दो खाली बोतलें लेके आए हैं, उसे भर के लेके जाएंगे और यही पानी पिएंगे। सो लेट्स गो। यहाँ से आ रहा है ये पानी। आई विल ट्राई। ओहो हो, अमेजिंग। ये पानी चाचा नेहरू, इंदिरा गांधी के लिए यहाँ से दिल्ली जाता था बाय एयर। अभी भी कितने लोग हैं, कितने ऑफिसर्स हैं लोकल जो यहाँ से पानी लेके जाते हैं। हम भी तो इसको भरूंगा कैसे पता नहीं।